सब्सक्राइब करो गुजराती हेल्थ टिप्स चैनल ने अने दबावो आ घंटी ने जेथी तमे जोई सको अमारा नवा वीडियो सौथी पहला। मित्रों आपणे बधा जाणीए छे के ईंडामां जबरदस्त पोषण होय छे, तेमां प्रोटीन सारी मात्रामां होय छे जे स्वास्थ्य माटे खूब फायदाकारक छे। शियाळामां ईंडानुं सेवन वधारे महत्वनुं छे कारण के ते शरीरने हूप पण आपे छे। जो के दरेकने ईंडा खावानुं पसंद नथी, केटलाक लोको तेनी गंधने कारणे तेनाथी दूर भागी जाय छे, तो केटलाक लोको पोताने संपूर्ण शाकाहारी माने छे अने तेथी तेओ ईंडा खाता नथी। जो तमे पण ईंडा खाता नथी तो एनो अर्थ ए नथी के तमे शक्ति मेळवी सकता नथी। जो कि आजे अमे तमने केटलाक एवा शाकाहारी खोराक विषे जणावा जई रह्या छीए जेमां ईंडा जेटली शक्ति होय छे। मित्रों आ वीडियो ने छेल्ले सुधी जरूरथी जुओ अने आ वीडियो ने लाइक करवानुं भूलशो नहीं। तो चालो वीडियो में आगळ वधीए। दाळ भारतीय खाद्य अने खास करीने उत्तरमां दाळ चोखा अथवा रोटली मुख्य खोराक मानवामां आवे छे। केटलाक घरोमां कठोळ बन्ने समय बनावामां आवे छे। दाळमां आश्चर्यजनक प्रोटीन होय छे। जो तमे तावने लीधे नबळा अथवा थाक अनुभवता होय तो कठोळ खावानुं योग्य मानवामां आवे छे। दररोज दाळ पीवाथी के खावाथी स्वास्थ्य पण सारूं रहे छे अने रोगो पण दूर थाय छे। वटाणा ताजा लीला वटाणा शियाळामां खूब ज सरळताथी मळी शके छे। लीला वटाणामां प्रोटीन भरपूर मात्रामां होय छे। आनुं सेवन स्वास्थ्यनी साथे शरीरने गरम राखे छे। तेनी सौथी खास वात ए छे के खोराकमां खूब ज स्वादिष्ट होय छे। तमे तेने शाकभाजी पराठा अथवा तो मीठी वानगी तरीके खाई शको छो। दूध दही जो कि शियाळामां दहीनुं सेवन थोड़ू ओछू थाय छे तो पण दूध दिवस दरमियान पीवामां आवे छे। दूधमां बधी सामग्री होय छे अने ते संपूर्ण खोराक मानवामां आवे छे। दूध दही घी पनीर कोई पण रीते तमे तेनो उपयोग करी शको छो। तेना नियमित सेवनथी तमारा शरीरमां अनेक प्रकारनी खामीओ दूर थाय छे, तेमज तेना पोषक तत्वो तमारा शरीरनी बधी खामीओने दूर करे छे। तमे तेनो उपयोग कोई पण रीते खीर सादा दूध काचा पनीरमां करी शको छो। लीला शाकभाजी लीला पांदळावाळा शाकभाजी पोषणનો ખજાનો છે। લીલી શાકભાજી જેમાં પાલક ગ્રીન્સ મેથીનો સમાવેશ થાય છે તેને પોષણનો પાવર હાઉસ પણ કહેવામાં આવે છે। લીલા શાકભાજી શિયાળામાં મળે છે, તમે તેનો સંપૂર્ણ વપરાશ પણ કરી શકો છો। ડ્રાય ફ્રૂટ તમને દરેક સીઝનમાં ડ્રાય ફ્રૂટ સરળતાથી મળી જશે, જો કે તેનો વપરાશ મર્યાદિત માત્રામાં કરવો જોઈએ। બદામ ખાવાથી શરીરમાં ગરમી તેમજ શરીરમાં શક્તિ આવે છે। શિયાળાની ઋતુમાં પુષ્કળ કિસમિસ બદામ અને કાજુ ખાવામાં આવે તો સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે અને સાથે ચહેરા પર ગ્લો પણ આવશે। મિત્રો આ હતો આજનો વિડિયો। આવા મજેદાર વિડિયો જોવા માટે અમારી ચેનલ ગુજરાતી હેલ્થ ટિપ્સને સબસ્ક્રાઇબ કરો। તો ચાલો મળતા રહીશું નવા વિડીયોમાં।